हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिसिन ओडिया। मुझ संगीता स्वागत जनाऊँ आज भिडियो को। आज मुझे दशम श्रेणी एस ए वन एग्जाम बोली सभ्यता और विज्ञान पाठर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहींक आमर सभ्यता और विज्ञान पाठ जोटा कि आमर एस ए वन एग्जाम पढ़ाक जाऊँ सभ्यता विज्ञान पाठर आम कि प्रश्न थोर आज प्राक्ट करवा प्रत्येक प्रश्न बोली चार चार अप्सन अच्छे समस्ते क्वेश्चन टाक एटेम्प्ट चेषा कर। फास्ट क्वेश्चन आमर आ वैषयिक शारीरिक और मानसिक उन्नति सहित अन्य क्यों उन्नति को सभ्यता आख्या दि जाए था आध्यात्मिक तात्विक व्यावहारिक आ नैतिक ठीक रे तो कौटा हम ठीक उत्तर गोटे सभ्यता आमर सभ्यता उन्नत होते आम जानवा जितेबले कि तार वैषयिक शारीरिक मानसिक उन्नति हम ता सहित जदि तार नैतिक उन्नति हम ताहेले आमे पूरा पूरी भाव में मोटामोटी भाव में सभ्यता आख्या आमे देई थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर आछि प्राचीन ग्रीस और रोम सभ्यतार वैषयिक उन्नतिर निदर्शन कौन थिला। प्राचीन युग सहित ग्रीस आउ रोम रो जो सभ्यता रही सहित भारतीय सभ्यता को तुलना कर पाठले। प्राचीन ग्रीस आउ रोम सभ्यतार वैषयिक उन्नतिर निदर्शन कौन थिला इच्छाकृत अनिच्छाकृत उभय एवं केउटी भी नुहे ठीक उत्तर कौन हम आमर यार ठीक उत्तर हम इच्छाकृत। प्राचीन ग्रीस आउ रोम सभ्यतार वैषयिक उन्नतिर निदर्शन थिला इच्छाकृत आउ भारतीय मानकर थिला त्याग एवं संयम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर आछि व्यापक अर्थर विज्ञान संज्ञा कौन विज्ञान माने कौन आमे कहबा विज्ञान माने साइंस विज्ञान माने साइंस साइंस माने विज्ञान ताहले विज्ञान संज्ञा कौन जेकोसी विषय सम्यक ज्ञान कौन से एक निर्दिष्ट विषय सम्यक ज्ञान समस्त विषय सामान्य ज्ञान एक निर्दिष्ट विषय अधिक ज्ञान विज्ञान संज्ञा बहि कौन देकोसी विषय सम्यक ज्ञान को आम विज्ञान बोली कहू एटा तुम बही लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारणतः विज्ञान को क्यों अर्थर लोक मैंने व्यवहार करते आत्मा और परमात्मा संपर्क सम्यक ज्ञान को जड़ और जीवंत विषय सुसंबंध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को भक्ति और शक्ति विषय संबंध और श्रृंखलित ज्ञान को जीवजगत संपर्क श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को कहकु साधारणतः आम साधारण अर्थ लोक मैंने व्यवहार कर विज्ञान पर यार ठीक उत्तर कौन हम जड़ और जीवंत विषय सुसंबंध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को विज्ञान बोली समस्ते साधारण भाव में धरी नि। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर आउंक सहित तुलना कले आंभे मैंने देखिपर जे सभ्यतार अर्थ कौन और तार मूल्य केते कहा सहित तुलना करवा जे आमर सभ्यतार अर्थ कौन आम सभ्यता केते गति करते उन्नति करते विकसित हो तार मूल्य केते बेले जानवा आम क्या सहित तुलना करवा प्राचीन आदिम मनीष अधुनातन निग्रो बा पार्वतीय बन्यजाति सहित शिक्षित युवक मान सहित धनी मान सहित एवं सभ्य युवक मान सहित ठीक उत्तर कौन हम प्राचीन आदिम मनीष अधुनातन निग्रो बा पार्वतीय बन्यजाति सहित जदि आम तुलना करवा जापर जे सभ्यतार अर्थ हूँ कौन आउ तार मूल्य केते विकसित होते आम आग को जाइ के पछ जाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर आने लक्ष्य स्थल में पहुँची पार्टी कहते क्रिश्चियन हिंदू माने मुसलमान माने इंग्रेज माने को माने कहते जे से माने लक्ष्य स्थल में पहुँची सारी ठीक उत्तर हवा ऑप्शन ख हिंदू माने। नेक्स्ट क्वेश्चन कला विद्या दर्शन मनस्तत्व इतिहास प्रभृति को साधारणतः लोके कौन बोली भावि न था साहित्य इतिहास विज्ञान एवं दर्शन विज्ञान आम कौन करूँ विज्ञान माने होची केबे भी आर्ट को आम विज्ञान बोल आम ऑलरेडी आम सेपरेट कर सारी आर्ट्स कला विद्या अलग रखीचु दर्शन शास्त्र अलग रखीचु मनस्तत्व इतिहास अलग रखीचु एवं विज्ञान को अलग रखीचु किंतु साधारण भाव में लोके विज्ञान बोली धरती ना आंभे मैने बल सभ्यतार उच्चतम सोपान आरोहण करने उद्योग लगे
साहित्य विज्ञान इतिहास एवं भूगोल। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन ख विज्ञान। क्यों साल रे सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाई 1945 1944 1943 एवं 1942 मसीहा। ठीक उत्तर 1942 मसीहा रे सभ्यता और विज्ञान प्रबंध उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाशित होता। आंभ मानकर सौरजगत पी आउ जे केते विराट जगत अच्छी और विभिन्न ग्रह तारा उपग्रह किपरी नियंत्रित होती और सेगुड़िकर शक्ति विकास और कार्यप्रणाली किपरी एवं ताहा आरंभ आंभे माने कहा द्वारा जानी पारुचे जीव विज्ञान जड़ विज्ञान महाकाश विज्ञान एवं उद्भिद विज्ञान। देखो ये सब अच्छी सौरजगतर महाकाश विज्ञान अच्छी तारा ग्रह उपग्रह सब अच्छी तार शक्तिर विकास कार्यप्रणाली एसबू आम कौटू पढ़ी जानू जड़ विज्ञान रू जापे सभ्यता अन्वेषण निम्ते मानव क्या पथ प्रदर्शक रूपे ग्रहण कर विज्ञान को वैषयिक उन्नति को ज्ञान साधन को एवं नैतिक उन्नति को। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन क विज्ञान को। बंशीधर सामंतराय क्यों जिले में जन्मग्रहण करते बरगढ़ भद्रक बालेश्वर आउ केन्द्रापड़ा। ठीक उत्तर हम केन्द्रापड़ा जिले में बंशीधर सामंतराय ग्रहण जन्मग्रहण करते। क्यों प्रबंधिक रेभेन्सा कलेजर अध्यक्ष पद मंडन करते कृष्णचंद्र पाणिग्राही बंशीधर सामंतराय गोलोक बिहारी धल एवं शरत कुमार महांती। रेभेन्सा कलेजर अध्यक्ष पद मंडन करते इमान भितर कौ प्रबंधिक थिले जिकि रेभेन्सा कलेजर अध्यक्ष पद मंडन करते। ठीक उत्तर हम बंशीधर सामंतराय। क्यों मानकर वैषयिक उन्नति निदर्शन इच्छाकृत थिला। देखो क्वेश्चन आम बुलेक पका पचार गोटे क्वेश्चन पचार सेम क्वेश्चन ये अच्छे किंतु क्वेश्चन टिके रंग बदली जाइए। क्यों मानकर वैषयिक उन्नतिर निदर्शन इच्छाकृत भारतीय मानकर हिंदू मानकर ग्रीस और रोम सभ्यतार आंभ मानकर। ठीक उत्तर ग्रीस और रोम सभ्यतार। क्यों मानकर सृष्टि और उन्नति इच्छाकृत नुहे भारतीय मानकर मिसोरीय मानकर रोमियो सभ्यतार ग्रीसीय मानकर ग्रीसीय सभ्यतार। क्यों सभ्यतार सृष्टि आ उन्नति इच्छाकृत नुहे। ठीक उत्तर भारतीय मानकर जेहेतु ग्रीस आउ रोम रो सभ्यतार उन्नति इच्छाकृत मिसोरीय उन्नति इच्छाकृत किंतु भारतीय मानकर नुहे। क्या प्रबंधिक भारतीय मानकर त्यागधर्मर एकता स्वतःसम्भूत फल बोली कहते ज्ञानोन्नति को नैतिक उन्नति को शारीरिक उन्नति को आउ वैषयिक उन्नति को। प्रश्न अवधारे शुणी क्या प्रबंधिक भारतीय मानकर त्यागधर्मर एकतार स्वतःसम्भूत फल बोली कहते। ठीक उत्तर हम यार वैषयिक उन्नति को। क्यों शास्त्र निहित प्रणाली द्वारा मानव विश्व विराट शक्ति को निरूपण करें हिंदू माने कहते गणित शास्त्र विज्ञान शास्त्र दर्शन शास्त्र एवं धर्मशास्त्र। क्यों शास्त्र निहित प्रणाली द्वारा मानव विश्व विराट शक्ति को निरूपण करें हिंदू माने कहते उत्तर कौन हम दर्शन शास्त्र हम यार ठीक उत्तर। क्यों माने भारतीय उच्चतम सभ्यतार विलोप साधन करते मत रही ग्रीसीय ग्रीसीय माने सभ्येतर जाति मिसोरीय जाति आउ रोमियो जाति। सभ्येतर जाति हूँ ठीक उत्तर। सभ्यता और विज्ञान प्रबंधर प्रारंभिक के बहुत सहज प्रश्न सभ्यता विज्ञान प्रबंधर प्रारंभिक किए बंशीधर महांती बंशीधर सामंतराय शरत महांती एवं कृष्णचंद्र पाणिग्राही। बंशीधर सामंतराय ठीक उत्तर। सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी क्यों पत्रिकार प्रकाशित होता सत्यवादी मुकुर उत्कल प्रभा एवं उत्कल साहित्य। ठीक उत्तर हूँ उत्कल साहित्य पत्रिकार। मैत्रीर ध्वजा केते बेले उड़ीबो समस्ते विज्ञान को जानिले समस्ते परस्पर को भल पाइले
ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶକୁ ଯେତେବେ ଜାଣିବେ, ସେବେ ଆମର ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ମାନବର ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ତଥା ନୈତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସମାଜ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ। ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହୁ। ସଭ୍ୟତା ନିମ୍ନତର ବା ଉଚ୍ଚତର ବୋଲି କିପରି ନିରୂପିତ ହୁଏ? ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ, ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମିଓ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା? ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି, ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି, ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି। ରୋମିଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା? ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି। ଭୋଗ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ରୋମିଓ ସଭ୍ୟତାର, ରୋମିଓ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଏବଂ ବେବିଲୋନୀୟ ସଭ୍ୟତାର। ଭୋଗ କାର ଥିଲା? ଭୋଗ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ରୋମିଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ମିଶୋରୀୟ ସଭ୍ୟତା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା? ତ୍ୟାଗ, ଭୋଗ, ସଂଯମ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଯମ। ମିଶୋରୀୟ ସଭ୍ୟତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମିଶୋରୀୟ ସଭ୍ୟତା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା? ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା। ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଯମର ଆତ୍ମସଂଯମ କାହାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ରୋମିଓ, ଗ୍ରୀସୀୟ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ମିଶୋରୀୟ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ କାହାର ଥିଲା? ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଭାରତୀୟମାନେ କାହାର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ଆନନ୍ଦର, ତ୍ୟାଗର, ବିପଦର, ସଂଯମର। ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମରେ, ଭୋଗବାଦରେ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ବିଷୟର ମାଲିକ ହେଲେ ତାର ପଥ କାହାଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଏ? ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗଧର୍ମୀ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି, ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି, ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି। ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇକି ବିଷୟର ମାଲିକ ହେଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁ ପଥଟା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, କେଉଁ ପଥରେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ? ଯଦି ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି ଯେଉଁ ରହିଛି ବାକି, ଭୋଗ ଆଉ ତ୍ୟାଗ ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ରହିଲା। ତ୍ୟାଗର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଭୋଗ। ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଯେଉଁ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯିବା। ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରାଟ ଭାଗର ଆଜି କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ? ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ? ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ? ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଠିକ ଉତ୍ତର ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଯୋଗରୁ ନାନା ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିପାରିଛି? ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତୁମ ପାଠରେ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ? ଜଡ଼ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ମିଶିକି ପୁରା ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ପାର୍ଟସ୍ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତି।
जड़ विज्ञान माने कौन जोड़ा कि नॉन लिविंग साइंस आ गोटे हूँ लिविंग साइंस दुई जन मिसिले जाकि पूरा जैक आमर महाकाश रही सृष्टि रही पूरा सृष्टि सब ज्ञान जड़ विज्ञान और जीव विज्ञान दुईटा जगह पढ़ीदे आम जापर। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर वर्तमान वैज्ञानिक कौन सृष्टि करना जड़ विज्ञान उद्भिद प्राणी एवं जीवंत पदार्थ यार ठीक उत्तर हो कौन हम जीवंत पदार्थ। किंतु जदि प्रश्न को आम पाठ भितर बाहर करी काढ़ वर्तमान वैज्ञानिक कौन सृष्टि करना जीवंत पदार्थ तो मनुष्य सृष्टि करते बड़े बहीटा लिखा जाता 1940-42 मसीहा समय से सभ्यता और विज्ञान पाठ जिते लेखक लिखी थे प्रबंधिक लिखी थे से समय जीवंत पदार्थ मनुष्य सृष्टि से पाठ को आम पढ़ुचे आम कहीद जीवंत पदार्थ ए सृष्टि हो पारिना कि जीवंत पदार्थ सृष्टि हो सारी वैज्ञानिक से आग को गति कर सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों विज्ञान बल में आम्भे आणविक जीवंत पदार्थ ठारु आरंभ कर विशालकाय हस्ती तिमी और बटवृक्ष पर्यंत विश्लेषण कर विभिन्न प्रक्रिया और समस्या साधन अनेक परिमाण में सफल हो पारिछु जीव विज्ञान उद्भिद विज्ञान प्राणी विज्ञान और महाकाश विज्ञान हस्ती तिमी और बटवृक्ष सबुजाक इनक्लूडिंग आम कौ विज्ञान जीव विज्ञान जदि आम खाली हस्ती तिमी देखी था से कौन होता प्राणी विज्ञान होता जदि केवल बटवृक्ष लिखि था उद्भिद विज्ञान होता कि आम सबुजाक हस्ती तिमी बटवृक्ष तीनटा जाकर जदि जो ज्ञान कथा कहुची तार प्रक्रिया तार समस्या विषय आम कौट पाऊ जीव विज्ञान रु पाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आम आँ विज्ञान आलोचन रु आम्भे देखी था जीवंतर शरीर केवल विभिन्न जड़ उपादान गठित उद्भिद विज्ञान जड़ विज्ञान प्राणी विज्ञान एवं जीव विज्ञान यहाँ भी टी बंका लगुव क्वेश्चनटा कि सहज प्रश्न जो बुझा चेष्टा कर जीवंतर शरीर कथा कहुची ता मैंने जीवंतर शरीर को तर्जमा कराला तेल से जड़ विज्ञान तो नुहे से कौन हम जीव विज्ञान ठीक उत्तर हम जीव विज्ञान जदि आम पढ़ा तो जीवंतर शरीर कौ सब जड़ उपादान याटा आम जापर। विभिन्न जातीय उपादान सम्मिश्रण सहित कौन संजोग हेले जीवन जीवंत पदार्थ संभव होता है जल वायु जीवन शक्ति आउ तेज कहगला जड़ जड़ उपादान गुड़िक को नहीं कि जीवंत सृष्टि ताहले से जो जड़ उपादान गुड़िक परस्पर सहित मिश्रण हो गला तादरे आउ कौन आम मिसेबा जाद्वारा कि आमर जीवंत पदार्थटा गोटे तैयारी हो पार कौन सी हूँ जीवंत शक्ति। भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन त्याग संयम त्याग और आत्मसंयम एवं आध्यात्मिकता भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन त्याग और आत्मसंयम। जड़ विज्ञान केते भागरे विभक्त 3, 2, 4 आउ 6 आमर जो जी विज्ञान रहा विज्ञान को आम दुई भाग करदे जड़ और जीवंत ताल जो जड़ विज्ञान रहा से जड़ विज्ञान को केते भाग रे विभक्त करा जाए पुणी दुई भाग रे गोटे आमर फिजिक्स आ गोटे केमिस्ट्री जो अच्छी फिजिक्स आउ केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान ए दुई जन मिसिले जाकि कौन हो जड़ विज्ञान सृष्टि हो जीव विज्ञान को सेमती दुई भाग करदे जीव विज्ञान कौन कौन अच्छी गोटे हूँ बॉटनी गोटे हूँ जूलोजी प्राणी विज्ञान एवं उद्भिद विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर जीव विज्ञान चर्चा को की संधान मिलता है जीव विज्ञान जदि आम चर्चा करमको कौन मिल खोजी पाइबा आम प्राणर स्वरूप प्राणीर जीवन प्राणीर गठन प्रक्रिया और प्राणीर जीवन क्रिया जीव विज्ञान को जदि आम चर्चा करवामें कौन संधान कर प्राणीर गठन प्रक्रिया जापर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन जी आम आंभ मानर ज्ञान सीमा आम किपर विस्तृत करूँ ज्ञान बल नानाविध शास्त्र बल परिश्रम बल साधना बल
नानाविध शास्त्र बल नानाविध शास्त्र आम जो पढ़ा तो आम ज्ञान सीमा आउ टे ब्रड हो विस्तृत हो भारतीय सभ्यतार वैशिष्ट्यर कौन अटे वैशिष्ट्यटी कौन अटे भारतीय सभ्यतार वैशिष्ट्य कौन विषय बासना आध्यात्मिकता ध्यान धारणा एवं आत्मसंयम ठीक उत्तर हम आध्यात्मिकता। वर्तमान पृथ्वीर सभ्यतार आदर्शटी कौन वैषयिक उन्नति मानसिक उन्नति सर्वांगीन उन्नति एवं नैतिक उन्नति ठीक उत्तर कौन हम सर्वांगीन उन्नति जेहेतु आमर पृथ्वीर सभ्यतार आदर्श हूँ वैषयिक मानसिक नैतिक शारीरिक प्रत्येक क्षेत्र में जितेबाला आमर उन्नति हम ताल आम सभ्यतार आदर्श आम खोजिपाई ताहले सर्वांगीन उन्नति यार ठीक उत्तर हम हिंदू मान मत लक्ष्यस्थल पहुँचवाक क्यों उन्नति सर्वाधिक करणीय वैषयिक शारीरिक मानसिक एवं नैतिक मानसिक और वैषयिक शारीरिक और मानसिक शारीरिक और मानसिक उभय जिते शारीरिक एवं मानसिक उन्नति आमर हम ताल आम लक्ष्यस्थल पहुँची पारा बोली हिंदू मानकर मत दि जाए। शारीरिक और मानसिक उन्नति निमित्त कौन दरकार त्याग कठोर साधना आनंदानुभूति एवं ब्रह्मचर्य जदि आमको शारीरिक क्षेत्र में मानसिक क्षेत्र में उभय क्षेत्र में उन्नति करार अच्छे तेल आमको कौन करा पड़ो कठोर साधना करने को पड़ो ऑप्शन बी हम यार ठीक उत्तर। आज पर्यंत आम्भे मैंने क्योंठे पहुँची पारिना लक्ष्यस्थल मूल स्थान आदर्शर उच्चतम सोपान एवं आदर्शर न्यूनतम सोपान दुर्लंघ्य सगर आम विज्ञान बल लंघि सारी किंतु कौटी जा पहुँची पारू आदर्शर उच्चतम सोपान जो अच्छे से आम एवं पहुँची पारिना तेल ऑप्शन सी हम यार ठीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आमर लक्ष्यस्थल उपस्थित होगा कौन दरकार बोली अनुमान करा जाउची बहु धन बहु साधना बहु जनसमागम एवं बहु समय कौन आवश्यक बहु समय दरकार लक्ष्यस्थल उपस्थित होगा आमको एवं बहु समय दरकार अच्छी शेष फलटी क्योंठी अच्छी अतीत गर्भरे भविष्य गर्भरे कालर गर्भरे एवं महाकाल बक्षर शेष फल जोटा को आम ए पहुँची पारे आम लक्ष्यस्थल से भविष्य गर्भरे लुचिकी अच्छी वर्तमान केवल कौन चली अध्ययन साधना परीक्षण एवं अनुकरण वर्तमान केवल परीक्षण चली साधारणतः कहा विषय सुसंबंध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को विज्ञान रूपे व्यवहार करा जाए जड़ विषय जीवंत विषय मृत विषय एवं जड़ और जीवंत विषय आमर विज्ञान कौन जड़ एवं जीवंत उभय ये दुईटा जाक मिसले जामर विज्ञान हुए जड़ विज्ञान मूल में आंभ मान क्यों शास्त्र निहित साहित्य शास्त्र कला विद्या गणित शास्त्र एवं मनस्तत्व जड़ विज्ञान भितर गणित शास्त्र निहित प्राणीर विभिन्न गठन और प्रक्रिया संपर्क संधान क्यों विज्ञान मिली थाए जीव विज्ञान पदार्थ विज्ञान प्राणी विज्ञान एवं उद्भिद विज्ञान प्राणी विषय जानवर अच्छी मानने कौन प्राणी विज्ञान ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी। गवेषणा द्वारा क्यों विषयटी मनीषी मैंने स्थिर करव असंभव को संभव कर मानव जीवंत पदार्थ सृष्टि मानव महाशून्य को चली मानव अणुशक्ति अधिकारी हेबो गवेषणा करने द्वारा को विषयटी मनीषी मैंने स्थिर करव जीवंत पदार्थ सृष्टि करते लेखक लिखी थे से जीवंत पदार्थ से सृष्टि करा कर दिने ना दिने मानव जीवंत पदार्थ सृष्टि करी गवेषक मैंने गवेषणा करी दर्शाई कहार सहयोगित आंभे मैंने शरीर तत्व मनस्तत्व आयुर्वेद पृथ्वी तत्व विषय ज्ञान वृद्धि करू जीव विज्ञान और पदार्थ विज्ञान उद्भिद विज्ञान और प्राणी विज्ञान जड़ विज्ञान और जीव विज्ञान
पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान, जड़ विज्ञान और जीव विज्ञान ठीक उत्तर हम। विश्व मानसिकतार मानसिकतार विकास आज जाए न होबार कारण कौन? शिक्षार प्रसार न होबारु, विज्ञान और शिक्षार प्रसार न होबारु, विज्ञान प्रसार न होबारु, ज्ञान विकास न होबारु। विज्ञान कोडा कोडा ठीक उत्तर हम यार, विज्ञान और शिक्षार प्रसार न होबारु विश्व मानसिकतार विकास आज जाए होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिति आप तेज मरुत व्योम ए सब को कौन कहा जाए? पांचटा जिनस अच्छी देख कौन कहा जाए आपको? क्षिति अप तेज मरुत एवं व्योम ए सब जाक कौन कहा जाए? अलौकिक शक्ति, पंचभूत, पंचशक्ति, पंच इंद्रिय। पंचभूत बोली कहा जाए जोटा को लेकिन कि प्राणी शरीर तैयारी से पांचटा जिनस कौन? क्षिति अप तेज मरुत एवं व्योम। विभिन्न जड़ उपादान समावेश सहित कहार विकास जीवंत को संभव करी? निर्जीव शक्ति, सौर शक्ति, जीवंत शक्ति एवं ध्यान शक्ति कौन हम ठीक उत्तर? जड़ उपादान समावेश सहित कहार विकास जीवंत को संभव करी? जीवंत शक्ति। गेंगुटी पत्थर रे कौन ढाले से चून अंगारकामल बाष्प विशेष उत्ताप बाहर? गैस, जल, क्षीर एवं घी। यहाँ पिला बेले समस्ते खेली थी मत लगुच जहाँ गेंगुटी पत्थर रे जिते बड़े जल ढला हाब पानी जिते बड़े बाजिब से चून अंगारकामल बाष्प सहित आउ गोटे कौन बाहर? विशेष उत्ताप बाहर। सांगे सांगे धूआ बाहर और छुईले देख गरम हो जा। चून और अंगारकामल बाष्प एकाठी मिसाई गेंगुटी पत्थर प्रस्तुत कले आमको कौन संयोग करने को पड़े? शक्ति, जल, बल एवं कौशल। देखो गेंगुटी पत्थर रे आम चून पानी ढाले पानी ढालिवार कौन बाहर? चून अंगारकामल बाष्प आउ उत्ताप बाहर। तेल उत्ताप कौन? गोटे शक्ति। ये जदि चून आ अंगारकामल बाष्प को एकाठी करके आम से गेंगुटी पत्थर जदि प्रस्तुत करने को पड़ो तेल आम कौन करा पड़ो? से शक्ति संयोग करने को पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न उपा पदार्थ रे शक्तिर संयोग बा वियोग रे आम्भे माने कौन देखी था? पदार्थर नूतन रूप पाइबा, पदार्थ गुड़िकर विभिन्न अवस्था प्राप्त होगा, पदार्थ आउ एक पदार्थ सृष्टि करवा, पदार्थर विघटन होगा। अवश्य ये प्रश्न गुड़िक आम जब पढ़ा तेल आमको भौतिक विज्ञान पढ़ेला भाया लगुच। भौतिक विज्ञान आम पढ़ु ए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा आरंभ कर विभिन्न पदार्थ रे शक्तिर संयोग बा वियोग रे आम्भे माने कौन देखी था? पदार्थ गुड़िकर विभिन्न अवस्था प्राप्त होगा यहाँ कौन आमर रासायनिक प्रतिक्रिया जो कहे से जो केमिस्ट्री को पढ़े आमर रासायनिक विज्ञान को आम पढ़े रसायन विज्ञान को। आलोक उत्ताप के शक्तिर एक एक अवस्था अटे? आलोक आ उत्ताप के शक्तिर एक एक अवस्था अटे? जीवंत शक्ति, सम्मिश्रित शक्ति, प्रवाहमान शक्ति एवं जड़ शक्ति। आलोक एवं उत्ताप प्रवाहमान शक्तिर अवस्था अटे। कहा साहाज्यरे जटिलतम समस्या अनायास साधित हो पारुछि? नीतिशास्त्र, विज्ञानशास्त्र, गणितशास्त्र एवं संस्कृत शास्त्र। गणितशास्त्र ऑप्शन सी हम ठीक उत्तर। पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान कहार अंशविशेष? जड़ विज्ञान, गणितशास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र एवं नैतिक शास्त्र। पदार्थ विज्ञान एवं रसायन विज्ञान जड़ विज्ञान गोटे गोटे अंश। आलोक उत्ताप विद्युत शब्द प्रभृति विभिन्न तत्वर अनुसंधान अनुसंधान क्यों विभाग अंतर्भुक्त? रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान एवं उद्भिद विज्ञान। देखो आलोक उत्ताप विद्युत आ शब्द ए सब जाक कौटर? रसायन विज्ञान केमिस्ट्री रो गोटे गोटे अंश। सॉरी आलोक उत्ताप विद्युत शब्द ये सब जगह पदार्थ विज्ञान हम ठीक उत्तर हो
ଭୁଲ କହିଦେଲି ମୁଁ ହେଲା। ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକ୍ସ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ। ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛି। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆକର୍ଷଣ ଗତି ଓ ମିଳନ କ୍ରିୟା ଆଦିକୁ କାହା ବଳରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆକର୍ଷଣ ଗତି ଓ ମିଳନ କ୍ରିୟା ଆଦିକୁ କାହା ବଳରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ ଆମେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଘଟିତ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ମହାଶୂନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁ, ବୁଝିପାରୁ ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଫଳରେ। କାହା ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇଅଛି? ଶକ୍ତି, ଜଡ଼, ଜୀବ ଏବଂ ସାଧନା। ଏଇଟା ଆମର ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଉଠୁଛି। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଚୂନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ବିଶେଷ ଉତ୍ତାପ ବାହାରିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଚୂନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପକୁ ମିଶାଇକି ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇଅଛି କାହା ବଳରେ? ଶକ୍ତି ବଳରେ। କାହା ବଳରେ ଆମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଓ ଉପାଦାନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିପାରିଛୁ? ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ। ୟାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ରେଳ, ମୋଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣରେ କାହାର ସମ୍ପାଦନରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମ ହୋଇଅଛୁ? ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଉନ୍ନତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ଖ, ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି। ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୁରୁହ ନ ହେବା ମୂଳରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଫଳ, ସାମଗ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁଶୀଳନ, ବୈଷୟିକ ସୁଖର ଅନୁଶୀଳନ, ନୈତିକ ବଳର ଅନୁଶୀଳନ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଫଳ ଯୋଗୁଁ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ ଦୁରୁହ ନାହିଁ, ସାଗର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଫଳ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଂଶବିଶେଷ? ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ। ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ। ଜୀବନ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ? ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି। ଜୀବନ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ମାନବର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ କମେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଦେଉଛି ବୋଲି କେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି? ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ସପକ୍ଷବାଦୀମାନେ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନେ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ମୌଳବାଦୀମାନେ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନେ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନବର ଈଶ୍ୱର ବିକାଶକୁ କମେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ମାନବର ଈଶ୍ୱରଗାମୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ କମେଇ ଦେଉଛି। କେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଖରାପ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ମାନବର ଈଶ୍ୱର ବିକାଶକୁ କମେଇ ଦେଉଛି ବା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ କମେଇ ଦେଉଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କିଏ କମେଇ ଦେଉଛି? ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କମେଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନେ କୁହନ୍ତି।
नेक्स्ट क्वेश्चन आमर अच्छी सर्वत्र कहार अभाव परिलक्षित होउछि ज्ञानर संगीतर संयमर साधनार सबुआड़े कहार अभाव परिलक्षित होउछि ठीक उत्तर कौन हम संयमर अभाव परिलक्षित होउछि। तो ये थिला आमर सभ्यता और विज्ञान पाठर किछिटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा आउ किछि आउ गोटे चैप्टर आउ किछिटा क्वेश्चन नहीं कि टिल देन बाय गुड नाइट एंड टेक केयर। आशा करछि वीडियोटा निहाती भाबरे तुमानको भलो लागिथिबो। नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा बाय।